आज की वीडियो में आप देख रहे हो रेनोवेशन वर्क। ये रेनोवेशन वर्क हम एक ऑफिस में करवा रहे हैं अपने, जहाँ पे पहले जो सीलिंग, जो इसमें डाउन सीलिंग है जो लगी लग रही है अभी, ये पहले नहीं थी। अब हम यहाँ पे डाउन सीलिंग भी करा रहे हैं, पूरी ही रेनोवेशन करा रहे हैं इस ऑफिस की। तो इस पे मैंने छोटी सी एक वैसे इन्फॉर्मेशन के लिए एक वीडियो बनाई है कि देखो यहाँ पे कैसे हम जो छत में जो हम सीलिंग करते हैं कैसे उसको करते हैं। सबसे पहले इनका जैसे फ्रेम बना लेते हैं एल्यूमिनियम का, इनका नट बोल्ट से फ्रेम बना के पूरा। उसके बाद फिर हम क्या करते हैं, फिर हम जिप्सम बोर्ड इसके अंदर लगाते हैं। ये जो आप वाइट वाला देख रहे हो या आगे वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा, वो जिप्सम बोर्ड होता है। तो ये देख रहे हो आप, ये जिप्सम की शीट होती है 6x6 की या 6x4 की भी आती है। इसकी हम कटिंग करके आप देख रहे हो, ये इसमें नट से लगाते हैं हम, इसको नट से इसको कनेक्ट कर देते हैं। अभी आप देख रहे हो नट इसमें दिख रहे हैं, ये नट से इसको लगाते रहते हैं जैसे आप देख रहे हो अभी भी। उसके बाद हम क्या करते हैं, इसके ऊपर जो है वो पुट्टी करके इसको पेंट कर देते हैं, जिससे कि इसकी फिनिशिंग अच्छी हो जाती है। तो इस तरह से ये देख रहे हो आप, हाँ जहाँ पे नट थे वहाँ पे हमने ऐसे पुट्टी कर दी, ऐसी पुट्टी करके इसको बिल्कुल एकदम प्लेन कर दिया और इसको जो है सबको पूरे को वाइट कर दिया। इसके अंदर ही हमने क्या किया, जितनी वायरिंग किया वो भी इसके अंदर ही किया सारी। इसके अंदर से एसी के पाइप भी गए हैं, सभी वायरिंग्स इसके अंदर से गई हैं। इसके अंदर लाइट्स भी लगेंगी 2x2 की, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा आगे। तो इस तरह से हम, अगर आप कोई रेनोवेशन कराना चाहते हैं तो इस तरह से आप सीलिंग में ये जिप्सम बोर्ड और एल्यूमिनियम की जो फ्रेम है वो यूज़ कर सकते हैं। और भी इस ऑफिस में कुछ ऐसी चीज़ें होंगी आने वाले टाइम में, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा आने वाली वीडियो में। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।